कारोबारी साल 2023-24 की आखिरी वायदा एक्सपायरी 28 मार्च 2024 को हुई। इस साल के दौरान बाजार ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिए। निफ्टी 50 ने 27% तो सेंसेक्स ने 24% और बैंक निफ्टी ने करीब 15% की ग्रोथ दिखाई। इसके साथ ही बाकी कौन से इंडेक्सेस ने धमाकेदार रिटर्न दिए, चलिए वो भी बताते हैं। रियलिटी ने 130%, पीएसई ने 101%, पीएसयू बैंक्स ने 85%, पावर ने 85%, कैपिटल गुड्स ने 75%, ऑटो ने 75% और फार्मा ने 60%, वहीं मेटल ने 50% की ग्रोथ दिखाई। वहीं अगर बात चर्चा में रहने वाले मिड और स्मॉल कैप की करें तो मिड कैप ने 60% जबकि स्मॉल कैप ने 70% का जबरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। वहीं मिड और स्मॉल कैप के कुछ शेयर ऐसे रहे जिन्होंने और भी बेहतरीन रिटर्न दिया। तो मिड कैप में IRFC ने 450%, REC ने 300%, RBNL ने 285%, BHEL ने 240%, PFC ने 225%, FAC ने 220% का रिटर्न दिया है। वहीं स्मॉल कैप में सुजलोन ने 450%, हुडको ने 350%, मैंगलोर रिफाइनरी ने 330%, कोचिन शिपयार्ड ने 325% और SJVN ने 300% की रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है।